जय हिंद दोस्तों, अब पढ़ें कहीं भी कभी भी। ये वीडियो 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट, साथ ही साथ डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और IIT तक के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है। वे सभी स्टूडेंट्स जिनके पास TV नहीं है या TV यूज़ नहीं करते, उनके लिए स्वयं प्रभा चैनल पर चलने वाली क्लासेस को अटेंड करना एक दिक्कत की बात हो गई है या टाइमिंग की वजह से वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे स्वयं प्रभा चैनल पर चलने वाली सभी 32 चैनल्स में से किसी भी चैनल को यूज कर पाएंगे और उनकी क्लासेस को अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वयं प्रभा चैनल को अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करने के लिए या स्वयं प्रभा चैनल के किसी भी क्लास को अपने मोबाइल फ़ोन में अटेंड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में और गूगल में सर्च करना होगा स्वयं प्रभा चैनल। तो यहाँ पर मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप स्वयं प्रभा चैनल को सर्च करेंगे, आपको सबसे पहला जो है स्वयं प्रभा ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से। तो आप इस ब्लू वाले जो है स्वयं प्रभा पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही स्वयं प्रभा पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ G डॉट्स दिख रहे हैं ये, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चैनल एंड एलोकेशंस, ठीक है, चैनल्स एंड एलोकेशंस। तो यहाँ से आपको पता करना है कि आपकी क्लासेस कौन से चैनल पर चल रही है, क्योंकि चैनल्स तो एक ही होंगी जिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कौन सी चैनल पे जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं, और या फिर आपको पता है तो आप इसके आगे का स्टेप जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चैनल्स एंड एलोकेशंस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से पता करना होगा कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो कौन से चैनल पर चल रही हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद चैनल्स एंड एलोकेशंस पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें ओपन होकर मिल जाएगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल नंबर, ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है चैनल नेम, उसके बाद रूट पेरेंट, ठीक है, उसके बाद ईमेल, उसके बाद कोऑर्डिनेटर नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद व्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ से चैनल नंबर मिल जाएगा, चैनल का नाम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बारे में कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आपको दो तरह से, एक शेड्यूल मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube का एक जो है लोगो बना हुआ है। तो YouTube के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि ये जो भी चैनल है इस चैनल में किसके बारे में बताया जाएगा या किसकी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल 1 to 10 आर मैनेज्ड बाई CEC UGC न्यू दिल्ली, ठीक है। तो संभवतः यह देखने से लग रहा है कि जो है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड 1 to 10 चैनल 1 से लेकर के 10 तक के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड चैनल हैं। उसके बाद हम आते हैं चैनल नंबर 11 पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चैनल 11 से 18 आर मैनेज्ड बाई NPTEL नेशनल कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग्स की पढ़ाई होती है, जो भी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनकी स्टडी जो है 11 से लेकर के 18 तक के चैनल्स अलॉट हैं उनके स्टडी के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप शेड्यूल देख सकते हैं और साथ ही साथ जिस पे YouTube का जो है ब्लू लोगो दिखाई दे रहा है उस पे उसके उस चैनल के बारे में जानकारियाँ भी जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 18वें के बाद 19 नंबर चैनल पे। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल नंबर 90 to 22 आर मैनेज्ड फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स बाय IIT दिल्ली एंड इज कॉल्ड IIT पर्ल, ठीक है। तो संभवतः ये जो सारे चैनल्स हैं ये जो है IIT के रिगार्डिंग जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लासेस जो है इस पे चलते होंगे। तो इसके बारे में भी आप शेड्यूल और जो है इस चैनल्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इग्नू के कुछ क्लासेस चलाने के लिए जो है चैनल्स अलॉट किए गए हैं। यहाँ चैनल नंबर 23 और
24 जो है इग्नू के जो है मैनेज्ड किया गया है, इग्नू के लिए इग्नू की क्लासेस यहाँ चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर चैनल नंबर 25 कुछ ज्ञान दर्शन करके दिया हुआ है, आप यहाँ पे शेड्यूल इसका देख सकते हैं और जान सकते हैं किसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पर चैनल नंबर 26 भी मैनेज्ड बाय इग्नू है। उसके बाद यहाँ पर चैनल नंबर 27 और 28 आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो NIOS है ये आपकी जो क्लास 9th और 10th है उनकी क्लासेस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, क्लास 9th और 10th, ठीक है। तो अगर क्लास 9th और 10th के आप स्टूडेंट हैं तो इन दोनों चैनल को यूज़ करके आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। उसके बाद जो चैनल नंबर 29 है ये UGC से रिलेटेड है, तो हम समझ सकते हैं कि जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग कोई चैनल होगा ये। उसके बाद चैनल नंबर 29 भी जो है हाई स्कूल जो है के लिए होगा, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा यूट्यूब या शेड्यूल में जा करके आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चैनल नंबर 31 जो है NCERT के द्वारा मैनेज्ड किया गया है, तो स्कूल एंड टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चैनल नंबर 32, ठीक है, इग्नू चैनल का जो है इग्नू एंड NIOS टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो ये इग्नू द्वारा मैनेज्ड किया गया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपके जो है रिलेट करता है, आपसे रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये तो हमको जो है यहाँ से शेड्यूल हमको पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेस किस चैनल पर चलने वाली हैं। उसके बाद हमको जो है लेक्चर्स वो कहाँ से मिलेंगे वो देखना होगा हमें, तो हमको वापस से जाना होगा स्वयं प्रभा के होम पेज पर। देख सकते हैं हम वापस से आ गए हैं स्वयं प्रभा के होम पेज पर, ठीक है। तो हमको जो है वीडियोस को लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाना है, और नीचे की ओर जाते हुए हमें कुछ इस टाइप के जो है चैनल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको चल जाना है मोर चैनल्स में, यहाँ आपको मोर चैनल्स दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आपको यहाँ पर एंटर हो जाना है। और चैनल्स पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 32 चैनल्स। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो चैनल थे 32 चैनल्स, उन सभी चैनल्स के बारे में यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए आपके लिए जो भी चैनल अलॉट होगा आपके स्टडी के लिए वहाँ पर आप चले जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे आपको इस तरह का आर्चीव बटन देखने को मिल जाएगा, ये जो ऑरेंज कलर की आर्चीव बटन है ये देखने को आपको मिल जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको टच करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाना है। तो आपके जो भी लेक्चर्स होंगे वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल साइंस करके दिखा हुआ है, ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक सैंपल सर्वे एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पार्ट 6 करके जो है लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ है, एक YouTube है और एक Facebook है। तो आपको सिंपली क्या करना है, YouTube पर टच करना है, और जैसे ही आप YouTube पर टच करेंगे आपका जो है ये पूरा रिडायरेक्ट होते हुए सीधे आपके YouTube पर चला जाएगा, और आपके YouTube के थ्रू जो है ये वीडियो जो है चलने लगेगी, और आप जो भी क्लास अटेंड करना चाहते होंगे वो क्लास अटेंड कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस तरह से आप स्वयं प्रभा पर चलने वाली कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ ही हम बता दें आपको कि इस चैनल पर स्टेट स्कॉलरशिप तथा नेशनल स्कॉलरशिप से जुड़ी हर अपडेट देते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।